नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। 8.5 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त भी जारी की। उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के रक्षा मंत्री के फैसले का स्वागत किया। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने 1.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रांगत इस सुविधा से जुड़ेंगे। द्वीपों के लिए बैंडविड्थ की उपलब्धता अब तक 4 गीगाबाइट प्रति सेकंड हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज जारी परियोजना के चालू होने से अब इसकी क्षमता 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो जाएगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। भारत संचार निगम लिमिटेड चेन्नई के मुख्य महाप्रबंधक मुनिन्द्रनाथ का कहना है कि इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज और विश्वसनीय मोबाइल तथा लैंडलाइन दूरसंचार सेवा उपलब्ध हो सकेगी। BSNL has executed the project from scratch, including acquisition of land, construction of buildings, laying of cables, installation of equipment and commissioning. BSNL has completed this project in a record time of about 2 years. BSNL will also be maintaining the network for next 5 years. दूरसंचार और ब्रॉडबैंड संपर्क से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। टेलीमेडिसिन और टेली शिक्षा जैसी ई प्रशासन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। ई वाणिज्य सुविधा मिलने से छोटे उद्यमों को लाभ होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड तथा पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की बैंडविड्थ उपलब्ध होगी। 4G मोबाइल सेवाओं में भी सुधार होगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन तथा कृषि परिसंपत्तियों की देखभाल और पोषण से जुड़े किसान समूहों के लिए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। इस योजना को मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी के केवल 30 दिन बाद ही कल 2,280 से अधिक किसान समितियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पहली किस्त उपलब्ध कराई गई। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8.55 करोड़ से अधिक कृषक लाभार्थियों को 17,100 करोड़ रुपए की 6वीं किस्त भी जारी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने फिर कहा कि भारत के पास भंडारण, शीतगृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन में निवेश करने और जैविक तथा पोषक आहार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की। हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है। जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है।
तो हमारे किसान वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे, अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे। उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 3:30 बजे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरूआत करेंगे। श्री सिंह ने कल घोषणा की थी कि भारत 2024 तक परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइलों सहित 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफार्म के आयात को रोक देगा। यह कदम घरेलू रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब एक बड़े प्रयत्न के लिए तैयार है। उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध रोक लगाने के रक्षा मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री की घोषणा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में नए पथ की शुरूआत है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने इसे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी छलांग बताया है। फिक्की की रक्षा समिति के प्रमुख SP शुक्ला ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का निर्धारण उद्योग जगत के अनुरोध को पूरा करता है। भारत फोर्ज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने कहा कि रक्षा मंत्री की घोषणा महत्वपूर्ण कार्यनीतिक कदम है, जिससे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम और स्वदेशी रक्षा निर्माण उद्योग को मजबूती मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारी समुदाय का आह्वान किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में पूरा योगदान करें। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के अवसर पर कल व्यापारी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को अवैध व्यापारिक गतिविधियां करने वालों का भी भंडाफोड़ करना चाहिए और भारत के प्रति मित्रता न रखने वाले देशों से खराब किस्म की वस्तुओं का आयात करने वालों की असलियत उजागर करनी चाहिए। श्री पीयूष गोयल ने क्रेताओं और विक्रेताओं से सरकार के ई बाजार प्लेटफॉर्म जैम से जुड़ने का आग्रह किया है। वे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से जैम द्वारा आयोजित 4th राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। सरकारी खरीद प्रक्रिया में जैम की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जैम से होने वाली बचत को राष्ट्र के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैम से खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, आसान, सक्षम, सुगम तथा तेज हुई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि जैम के जरिए खरीद करने वालों द्वारा देरी से भुगतान पर ब्याज लगाए जाने की सरकारी व्यवस्था महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। 8.5 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त भी जारी की। उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के रक्षा मंत्री के फैसले का स्वागत किया। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने 1.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराया। भारत ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी के 7,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण कर शानदार उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार एक ही दिन में 6,00,000 से अधिक परीक्षणों का सिलसिला जारी है। पिछले एक दिन में 7,19,364 परीक्षण किए गए हैं। भारत में एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में स्वस्थ होने का भी नया रिकॉर्ड बना है। कल 53,879 रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 15,00,000 से अधिक हो गई है। ये संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने से अधिक है। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.87% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तेजी से जांच संक्रमण के स्रोत का पता लगाने और प्रभावी उपचार से ये उपलब्धि संभव हो सकी है।
बेहतर एम्बुलेंस सेवा, बेहतर देखभाल और नॉन इंसेंटिव ऑक्सीजन के उपयोग से वांछित परिणाम मिले हैं। देश के 10 राज्यों में अभी भी कोविड संक्रमण में तेजी बनी हुई है। नए संक्रमित लोगों में 80% से भी अधिक इन राज्यों से हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन के दौरान 1,300 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। राजधानी में कोविड मरीजों की संख्या 1,45,427 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 1,30,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस दौरान 13 रोगियों की मृत्यु हुई। दिल्ली में अब तक कुल 4,111 लोगों की मृत्यु हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 3,934 नए रोगियों के सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 79,720 हो गई है। इनमें से 51,315 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सबसे अधिक 13,488 पॉजिटिव मामले पटना में पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर भागलपुर है, जहां पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,450 है, जबकि मुजफ्फरपुर में 3,362। कोरोना के कारण अब तक 429 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 19 डॉक्टर शामिल हैं। कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर समेत 15 स्टेशनों पर 300 कोविड केयर कोच की व्यवस्था की है। प्रत्येक जिला के सिविल सर्जन को आपातकालीन परिस्थिति में इस कोविड केयर कोच का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। हर एक कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर गणेश उत्सव, मुहर्रम और जन्माष्टमी जैसे आगामी त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस भी सीमित स्तर पर मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि किसी भी स्थान पर लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं होंगी और जन्माष्टमी और मुहर्रम पर जुलूस निकालने की मंजूरी भी नहीं दी जाएगी। इसी तरह पूजा स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति भी नहीं होगी। इस बीच राज्य में रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है, वहीं मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में बाहर से आने वालों और बाहर जाने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। इसके बिना लोगों को आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाए। राज्य सरकार ने लोगों के बीच मास्क पहनने और अनिवार्य रूप से परस्पर दूरी का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से 1,311 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लोगों के स्वस्थ होने की दर 76.18% हो गई है। राज्य में कल कोविड 19 के 1,078 नए मामले दर्ज हुए। सबसे अधिक 178 नए मामले सूरत में रिकॉर्ड हुए, जबकि अहमदाबाद से 138 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड 19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 71,064 हो गई है। राज्य में 14,272 सक्रिय मामलों में से 73 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर राज्य में कोविड 19 से ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 54,138 हो गई है। राज्य में कल 25 मरीजों की मृत्यु हो गई। कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,654 हो गई है। राज्य में अब तक 9,87,000 से अधिक लोगों का कोविड 19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 30,985 परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने कल शहर के 11 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया। नए क्षेत्रों में आज से घर घर स्वास्थ्य जांच और सामूहिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर निगम कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए मुंबई के एक बड़े अस्पताल में वॉइस सैंपलिंग विधि की शुरुआत करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवाज के जरिए संक्रमण का पता लगाने का ऐप आधारित इस उपकरण का प्रयोग जल्द ही राज्य के अन्य अस्पतालों में भी किया जाएगा। बृहन मुंबई महानगर निगम द्वारा कोविड 19 रोगियों का पता लगाने के लिए इस हफ्ते से मुंबई के गोरेगांव के नेस्को मैदान में बने जंबो कोविड 19 सुविधा केंद्र में ध्वनि विश्लेषण पर आधारित एक पायलट परियोजना चलाई जाएगी। दुनिया भर में इस तरह के ध्वनि आधारित ऐप या टूल का प्रयोग किया जा रहा है। संदिग्ध रोगी को एक सेलफोन या कम्प्यूटर में बात करने के लिए कहा जाएगा, जहां ध्वनि विश्लेषण ऐप अपलोड किया गया है। मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों को भी दर्ज किया जाएगा। सही विश्लेषण
के लिए संदिग्ध रोगी की आवाज की तुलना स्वस्थ व्यक्ति की आवाज के साथ की जाएगी। तुलना के लिए इस ऐप में ध्वनि के हजारों नमूने पहले से दर्ज है। फिलहाल इस प्रक्रिया में कोविड 19 परीक्षण के लिए ध्वनि विश्लेषण के साथ RT-PCR परीक्षण भी किया जाएगा। यदि ये पायलट परियोजना अच्छे परिणाम दिखाती है तो नगर निगम अपने अन्य अस्पतालों में भी इस परीक्षण का उपयोग करने की योजना बना रही है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में ऐसे कोविड रोगी जो गुवाहाटी में अपने घर पर ही आइसोलेशन में रहकर इलाज करना चाहेंगे, उन्हें रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बताने वाला पल्स ऑक्सीमीटर और प्राथमिक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे रोगियों के लिए टेलीफोन नंबर 104 पर टेलीमेडिसिन सेवा भी शुरू की है। पिछले 24 घंटों में असम में 1800 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। मणिपुर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के लोगों को सलाह दी है कि वे विदेशों में बने क्लोरीन डाई ऑक्साइड छोड़ने वाले कॉर्ड डिवाइस वायरस शटआउट का उपयोग बंद कर दें। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस यंत्र का उपयोग जनता के बीच बढ़ गया है। क्लोरीन डाइऑक्साइड एक जलीय घोल है और इसका उपयोग पेयजल के कीटाणु शोधन में किया जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये कोविड महामारी की रोकथाम में ऐसे अप्रमाणित उपकरणों के उपयोग की अनुशंसा नहीं करता है। मणिपुर में लगभग सभी दवाइयों की दुकानों पर भारी मांग के कारण इस उपकरण की बिक्री की जा रही है। मेघालय में कोविड के 39 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी के मामलों की संख्या 1062 हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 566 है, जबकि 67 लोग ठीक हो गए हैं। इसके साथ स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 490 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ अमन वार ने बताया कि नए मामलों में 18 पूर्वी खासी हिल्स जिले, 20 मामले री भोई जिले और एक मामला पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले से है। राज्य में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड उपचार केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे एक होटल में कल आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। राज्य के गृह मंत्री मेकाथोटी सुचरिता ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता देने को कहा है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और दुर्घटना पर जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रेड्डी से फोन पर बात की और आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड 19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थीसिया विभाग की डॉ राजेश्वरी ने संक्रमण से बचने के लिए लोगों से घरों में रहने और हाथों को साफ रखने का एहतियात बरतने को कहा है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स की ही डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में सुरक्षित दूरी बनाए रखने को महत्वपूर्ण बताया। कोरोना वायरस स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट्स व्हेन अ पर्सन कॉफ्स और स्नीजेस। दीज ड्रॉपलेट्स डू नॉट ट्रैवल बियॉन्ड 1 मीटर एंड दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड लॉकडाउन के कारण देश के अन्य भागों में फंसे राज्य के निवासियों की निकासी प्रक्रिया के तहत 2,97,000 निवासियों को निकाल लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 88 रेलगाड़ियां 75,724 फंसे हुए यात्रियों को लेकर जम्मू पहुंच चुकी हैं, जबकि राज्य के अलग अलग जिलों के 15,696 यात्री 21 विशेष ट्रेनों के माध्यम से उधमपुर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी OPD नाम की टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 1,58,000 लोगों ने ऑनलाइन परामर्श के लिए अपना पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले नवंबर से 23 राज्यों ने यह सेवा शुरू की है और देश की 75% आबादी इसके दायरे में आ गई है।
बाकी लोगों के लिए भी इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। ई संजीवनी सेवा से दो प्रकार की टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत हुई है, जिनमें से एक है ई संजीवनी, जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर के बीच परामर्श, और दूसरी का नाम ई संजीवनी ओपीडी है, जिसके तहत रोगी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ई संजीवनी सेवा को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें 2022 तक देशभर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को आपस में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद प्रतिदिन करीब 250 डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये सेवा एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध है। कोई भी रोगी इस ऐप पर लॉगिन करने के करीब 5 मिनट के भीतर डॉक्टर से सलाह ले सकता है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में हम आपको डिजिटल इंडिया की दिशा में किए गए विशेष उपायों की जानकारी देना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। पिछले 5 वर्षों में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तिकरण, समावेशन और रूपांतरण पर केन्द्रित रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि भारतीय नागरिक आज सरकार के साथ डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं और इससे सरकार को भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिल रही है। Digital India in the last 5 years has achieved several achievements across in enabling services to the citizens, in enabling better access to connectivity. The key initiative which has made a mark, if you look at the Aadhaar, which has become like the cornerstone for delivery of direct benefit transfers across various schemes, if you look at the UPI, if you look at initiatives like Umang platform for mobile services, DigiLocker for a paperless form of storage of documents, or MyGov for citizen engagement and citizen कम्युनिकेशन। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विश्व हाथी दिवस 2020 के सिलसिले में आज हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन करेंगे और मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति को लेकर एक वेबसाइट भी जारी करेंगे। विश्व हाथी दिवस का आयोजन इन जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को किया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की घटती संख्या की ओर तत्काल ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 2012 से यह दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में रेलवे आज से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ रेल पटरियों, स्टेशन कार्यालयों, रेल कॉलोनियों, कार्यस्थलों, रेल परिसरों के कोनों और किनारों की जगहों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल पटरियों की सफाई करते समय अन्य कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक कचरा हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही कम होने के कारण पटरियों की सफाई की जाएगी, ताकि उनमें स्वच्छता स्पष्ट नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त जिलों में ड्रोन और जमीनी निरीक्षण के जरिए बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों को उच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। राज्य के 20 जिलों के 802 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अधिकांश बाढ़ प्रभावित जिले प्रदेश के पूर्वांचल और तराई इलाकों में हैं, जहां बाढ़ की विभीषिका के चलते 715 बाढ़ चौकियां और 283 बाढ़ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमें और एसडीआरएफ तथा पीएसी की फ्लड प्लाटून की 7 टीमें तैनात की गई हैं। इन इलाकों की ज्यादातर प्रमुख नदियां सरयू, घाघरा, राप्ती और शारदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे बाढ़ या किसी अन्य वजह से आपदा का सामना करना पड़ रहा है, वो हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क कर सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के किनारे बने तटबंध सुरक्षित हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है। 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। रेल पटरियों के पानी में डूब जाने से पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल यातायात ठप पड़ा है। सीतामढ़ी,
मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान में लगी हुई हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 25 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक दो बार वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में गरज के साथ बौछारे पड़ने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख में हल्के बादल छाए रहने और शाम के समय या रात को वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 18 और 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 17 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में हल्की बरसात होने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद विशाल। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 101 रक्षा उपकरणों और हथियारों के आयात पर रोक लगाने संबंधी रक्षा मंत्रालय का फैसला आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अब स्वदेशी से रक्षा, बकौल अमर उजाला देश में ही बनेगी मशीन गन क्रूज मिसाइल, घरेलू उद्योगों को 4 लाख करोड़ का ठेका। हिन्दुस्तान ने लिखा है सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही रक्षा उत्पादन को देगी बढ़ावा। जनसत्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों को दिया है घरेलू रक्षा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, अब किसान भी बनेंगे उद्यमी। दैनिक जागरण के मुखपृष्ठ पर है सरकार की किसानों को सीधे उद्योगों से जोड़ने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रूपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किया लॉन्च। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है गांवों में बढ़ेंगे रोजगार के मौके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर निवासियों के भूमि अधिकारों के लिए बनेगा नया कानून, इसे देते हुए पंजाब केसरी ने लिखा है कानून बन जाने पर भूमि पर अधिकार खोने का लोगों का डर दूर होगा। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर देते हुए हिन्दुस्तान ने लिखा है संपत्ति का मालिकाना हक पाने को डीडीए के चक्कर नहीं लगाने होंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 21 लाख के पार पहुंचने को भी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है पहली बार एक दिन में 55,000 मरीज हुए ठीक। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कोरोना के हर मिनट हो रहे 500 टेस्ट। वहीं वीर अर्जुन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है दिल्ली में कोरोना के हालात नियंत्रण में, खाने के बाद खा जाइए थाली होगा कोरोना से बचाव, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, गजब की खोज शीर्षक से इस खबर को देते हुए राजस्थान पत्रिका ने लिखा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI ने डिस्पोजेबल कटलरी बनाई है, आइसक्रीम सॉफ्टी कोन की तरह भोजन की बाद थाली चम्मच या गिलास को खाया जा सकता है, वनस्पति से बने बर्तन एनर्जी बूस्टअप का भी करेंगे काम। पर्यटन का न्यू नॉर्मल शीर्षक से दैनिक भास्कर ने समाचार दिया है बड़े शहरों से 300 किलोमीटर के दायरे में खुशनुमा जगह तलाश रखे, ट्रैवल कंपनियां 700 नए टूरिस्ट स्पॉट तलाशे, टूरिज्म सेक्टर को अगले 6 महीने में बूम की उम्मीद। धन्यवाद नवीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की, 8.5 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त भी जारी की। उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के रक्षा मंत्री के फैसले का स्वागत किया। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने 1.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।